फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो ये लेसन प्लान है एसएसटी का, देखिए माइक्रो टीचिंग में हमारा जो तीसरा प्लान है ये है दृष्टांत कौशल का। इसी प्रकार से वही करना है, इसमें दिनांक होगा, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश और समय अवधि। पूर्व ज्ञान देखिए वही है, पाठ शिक्षण का उद्देश्य भी इसमें वही रखा गया, देखिए छात्रों में दृष्टांत कौशल का विकास करना। इसके बाद देखिए शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। देखिए शिक्षण बिंदु क्या है, देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, हमारा शिक्षण बिंदु है गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से। पहला जो प्रश्न हमारा, देखिए गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या किया, तो गौतम बुद्ध ने देखिए विभिन्न विद्वानों के लिए ज्ञान अर्जन के लिए गए, विभिन्न विद्वानों के पास ज्ञान अर्जन के लिए गए। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, तो इसमें देखिए इसका जो आंसर होगा बोधगया में हुआ, लेकिन इसमें देखिए छात्र शिक्षक इसमें विस्तार करके इसमें बताएगा। देखिए एक दिन जब गौतम बुद्ध बोधगया के निकट वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठे थे, तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण एवं उनसे छुटकारा पाने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने की इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ कहलाए। महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। 80 वर्ष की आयु तक बुद्ध ने उपदेश दिए। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध द्वारा शरीर त्यागने की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो देखिए इसमें जो अगले दो, देखिए इसमें 3 प्रश्न होंगे, वे इसी में से देखिए निकाले जाएंगे। देखिए गौतम बुद्ध ने को पहले किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो गौतम बुद्ध को पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कितने वर्ष की आयु तक बुद्ध ने उपदेश दिए, तो 80 वर्ष की आयु तक बुद्ध ने उपदेश दिए। तो हमारे इस प्रकार से देखिए 3 जो प्रश्न बने हैं ये इसी में से बने हैं हमारा। तो इस प्रकार से देखिए जो माइक्रो टीचिंग होती है बहुत ही छोटा सा इसमें प्लान होता है, और इसमें 5 प्लान बनाने पड़ते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, देखिए आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप या साइंस ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो, देखिए एक प्लान में मात्र 5 ही प्रश्न बनते हैं। इसमें बहुत ही छोटा सा प्लान होता है ये। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेसन दे प्लान अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।